everyone, welcome back to my channel and this is Ashi and this video is one brand makeup challenge. So ये मैंने सारा makeup A से लेके Z तक Swiss Beauty के product से create किया है. Swiss Beauty brand बहुत ज़्यादा affordable और बहुत ज़्यादा अच्छा है. You can see the finish. So ये makeup में lipstick से लेके eyebrows तक, primer से लेके liner तक और बेस से लेके ब्लशर तक सारा ए से लेके जेड तक मैं स्विस ब्यूटी ब्रांड यूज किया है एंड यू कैन सी द कवरेज. और ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ब्रांड. इसका सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना. तो विदाउट एनी फर्दर एंडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर यूज करूंगी मेरी फेवरेट निविया सॉफ्ट. बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है ये ऑयली स्किन वालों के लिए. तो अगर आपके पास भी मेरी तरह ऑयली स्किन है तो आप मेक श्योर इसे ज़रूर 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 ट्राई कीजिए. अगर आपको ये भी ट्राई नहीं करना तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो. देन मैं टोनर लगा रही हूँ ग्रीन टी, मेरा फेवरेट टोनर है. मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. पर्पल होल अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो ऑफर्स चल रहे हैं तो आप मेक श्योर इसे पर्पल को चेक कर सकते हैं. तो आगे मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर. ये ग्लोइंग प्राइमर है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइमर है. आप इसे ज़रूर 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 चेकआउट कीजिए. ऑफलाइन आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन इसका प्राइस 300 से 350 रुपीज़ मिल जाएगा आपको. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. बेसिकली जो प्राइमर है हमारे पोर्स को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम फेस पे. तो यहाँ पर मैं जो आईब्रोज़ के लिए मैंने पाउडर यूज़ किया है, आगे जो मैं शैडो यूज़ करूँगी उसी से किया है. मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है ये कंसीलर पैलेट स्विस ब्यूटी का. आप हाईली सजेस्ट कर सकती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन भी लेना चाहते हो ना तो ये पूरा किट ले लीजिए आप, इसमें आपके पूरी फैमिली का भी काम हो जाएगा. तो अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का 02 शेड फाउंडेशन है मेरा शेड है जो. और ये सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है. मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में यूज़ किया है बट इसका ऐसा रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखा. शायद ये टोनर का कमाल है. सो आप पहले स्किन केयर ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. यहाँ पर मैंने फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है क्योंकि मेरा स्पॉन्ज ने ना मिल नहीं रहा था मेरे को, मैंने अपने सामान में रखा था तो इसलिए मैंने ब्रश से ही कर लिया. लेकिन आगे मुझे स्पॉन्ज मिल गया था तो मैंने उससे डैप डैप करके अपना जो एक्सेस फाउंडेशन है उसे निकाल लिया था. सो आप इसे राउंड राउंड करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो और ये आपके स्किन में ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और आप अपना स्किन टोन का ही ले. सो अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करूँगी. आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, मैं हाईली सजेस्ट करती हूँ आपको ये, कि आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे. तो उसके बाद मैं टोनर यूज़ करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर में. और रियलिटी में ना इतना ज़्यादा सिमिलर लग रहा था मेरी स्किन टोन में. आपको कैमरा में हल्का सा वाइट लगेगा लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल भी वाइट नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा कैमरा और रिंग लाइट ना थोड़ा सा वाइट इफेक्ट दे देते हैं मेरे फेस को. उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लफी ब्रश यूज़ किया है. इन ब्रशेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और ये जो पैलेट मैंने यूज़ किया है ये है 04 फैशन रिस्ट है इसका नाम. और यहाँ से मैंने पिंक शेड है जो पिक किया है जो आपकी स्क्रीन के सामने है. सो अब मैं ना एक आईज मेकअप के ऊपर भी ना एक इंडिविजुअली वीडियो बनाऊँगी तो आप मेक श्योर वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी. तो उसमें आपको एक एक स्टेप्स सिखाऊंगी. तो अब मैंने उसी पिंक कलर के ऊपर येलो शेड लगाया है और उसे अच्छे से ब्लेंड किया आप देख. सो अब मैंने यूज़ किया है ब्लैक शेड जो मैं अपने जो साइड्स पे लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हो कि मैंने जो वीडियो है वो फास्ट कर लिया है, फिर भी मैं कितना ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ. आपको ब्लेंड करना है ऐसे ही. अब मैं एंगल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और 32 पैलेट लाइए शेड कलर्स वाला स्विस ब्यूटी का, उससे मैंने गोल्डन शेड पिक किया है. बहुत सारा ईजी मेकअप क्रिएट किया है मैंने. ये मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का ही
लाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लाइनर है, वाटरप्रूफ लाइनर है। आप मेक श्योर इनका जेल वाला भी यूज़ करके देखो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो मैं क्रिंग लाइनर जो है ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरी मदर खड़े थे तो उनसे मैं बातें कर रही थी। तो अब मैंने एक विंग लाइनर ड्रॉ किया है। पर्सनली अब मुझे विंग लाइनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं मेकअप में। सो उसके बाद मैं, मेरा जो आईज़ मेकअप है डन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी मस्कारा नहीं था स्विस ब्यूटी का, इसलिए मैंने कोई भी मस्कारा नहीं लिया। लेकिन बिना मस्कारा, बिना लैशेस के भी मेरा जो ये आईज़ मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेम ब्रश से मैं अपना ब्राउन शेड है जो, उसे मैं अपने लोअर लैशेज पर लगा रही हूँ। आप भी इसे लगा सकते हैं। इससे लगाने से क्या होता है कि हमारी आईज़ ना बिगर लगने लग जाती है, आप देख सकते हो डिफरेंस। इनर कॉर्नर्स को फिलअप करना भी बहुत ज़रूरी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद ना मैंने ये ब्राउन्जर ब्रश लिया था। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी अफोर्डेबल रेट्स में चाहिए ना, तो लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरा खुद का इंस्टाग्राम स्टोर है जिसमें मैं मेकअप सेल करती हूँ अफोर्डेबल रेट्स में। सो आप में भी इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये परचेज करने हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आराम से। सो उसके बाद मैंने ब्लशर पैलेट लिया है, उसी से ब्लशर पिक किया है, और उसी से ही ये हाइलाइटर भी पिक किया है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है। आई रियली 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 लव इट, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप मेक श्योर इसे भी ट्राई कर सकते हो। उस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद आप ना इसी तरह से नोज़ पे हाइलाइटर लगाइए, पूरे नोज़ पे मत लगाइए, उससे ना वो थोड़ा सा पैची सा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये कोको शेड, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये, न्यूड कोको शेड है इसका नाम। तो इसका लिंक मुझे नहीं मिला नायका से, तो मैं इसका पूरा बॉक्स का लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी, लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। बट मेरे इंस्टाग्राम स्टोर में आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा विथ चीपेस्ट प्राइस। तो मैं ना अपने जो लिप्स है हल्के से आउट ड्रो कर रही हूँ, मतलब मैंने थोड़े दिखाया है अपने लिप्स में, मेरे नेचुरली इतने नहीं हैं, बट मैंने अपनी जो लिप्स की शेप है वो हल्की सी, आप देख सकते हो कि हल्का सा ना मैंने प्लम्प इफेक्ट दिया है अपने लिप्स को, जिससे जो ये पूरा मेकअप लुक है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ सोचा कुछ फीका लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे तिल भी बना लिया, ये ऑप्शनल है यहाँ पे, वैसे मेरे रियलिटी में है, थोड़ा सा मैंने उसे डार्क किया है। सो अगर आपको ये पसंद है तो आप कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देना, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे